अरे यार, तो हाँ यार, एक बार मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या था? द इक्वेशन, तो क्वेश्चन क्या है बेसिकली, ये हमारी एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है? और हमने क्या किया है, लास्ट टाइम पे हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है कि पहले कोई हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, ओरिजिनल एक्स और वाई एक्सिस थी, उसके रिस्पेक्ट में जब हमने इक्वेशन निकाली तो इस कर्व की इक्वेशन ये आई है। अब हमने क्या किया, एक्सिस को 45 डिग्री पर एंटी क्लॉक वाइज सेंस में क्या कर दिया, रोटेट कर दिया है। तो एंटी क्लॉक वाइज सेंस में उस दिन मैंने रोटेशन क्लियर करवाया था कि नहीं करवाया था, अरे बोल दो। और क्या बोला है कि अगर मैंने एक्सिस को 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज सेंस में रोटेट कर दिया है तो बताओ उस कर्व की इक्वेशन क्या हो, ये बताना है। मैंने बोला था कि अगर एक्स को एक्स डैश में कन्वर्ट करना है या फिर एक्स को एक्स डैश में कन्वर्ट करना और फिर एक्स डैश को एक्स में, तो हम लोग इस टेबल का यूज करते हैं कि नहीं करते यार, अरे बोल दो। हमारी इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म्स में गिवन है और हमें जो अपनी नई इक्वेशन चाहिए वो किसके टर्म्स में चाहिए, एक्स डैश वाई डैश के टर्म्स में चाहिए, नए कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमें इक्वेशन चाहिए। तो हमारे पास दो चांसेस थे, या तो मैं एक्स डैश को एक्स के टर्म्स में लिख लूं या फिर एक्स को एक्स डैश के टर्म्स में लिख लूं। अच्छा, अगर आप एक्स डैश को एक्स के टर्म्स में लिखते एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, तो देखो दिक्कत क्या आती कि यहां पर तो इक्वेशन एक्स है तो एक्स डैश की वैल्यू तो आप पुट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कन्वर्जन ऐसा किया एक्स को एक्स डैश वाई डैश के टर्म्स में लिख दिया, उसको सिंपली कैलकुलेट कर देंगे और एक्स की जगह ये पूरी की पूरी चीज पुट कर देंगे, वाई का जगह ये पूरी की पूरी चीज पुट कर देंगे, तो हमारी जो नई इक्वेशन आएगी वो एक्स डैश वाई डैश के टर्म्स में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी यार। तो हमने 45 डिग्री से रोटेट किया तो हम थीटा यहां पर कितना रख देंगे, 45 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती कि नहीं होती है, तो हो जाएगा एक्स अपॉन रूट टू एच डैश अपॉन रूट टू प्लस वाई डैश अपॉन रूट टू, और ये हो जाएगा सिंपल सा हमारा माइनस का एच डैश अपॉन रूट टू प्लस का वाई डैश अपॉन रूट टू। ये एक्स और वाई की वैल्यूज हमने निकाल ली कि नहीं निकाल ली, अब इन एक्स और वाई की वैल्यूज को मैं क्या कर दूंगा यहां पर पुट कर दूंगा, अरे नहीं हजम हो रहा है। तो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट किया गया ना, एंटी क्लॉक वाइज मतलब ये हमारा बेटा एक्स एक्सिस ये हमारा वाई एक्सिस, तो एंटी क्लॉक वाइज क्या होता है बेटा, ये तो एंटी क्लॉक वाइज होता है कि नहीं होता है, तो थीटा हम लोग यही 45 डिग्री लेंगे कि नहीं लेंगे, क्लॉक वाइज होता तो थीटा क्या लेते माइनस 45 डिग्री ले लेते, क्योंकि जो हमने स्टैंडर्ड डेरिवेशन किया तो उसमें थीटा किसको कैसे रोटेट किया था, एक्सिस को एंटी क्लॉक वाइज रोटेट किया था ना यार हमने, तो थीटा को सिंपली क्या इतना रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे। देखो जो हमारी नई इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, थ्री टाइम्स एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, एक्स डैश वाई डैश अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर, ये देखो एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहां पर क्या हो जाएगा टू टाइम्स एक्स की वैल्यू एक्स डैश वाई डैश अपॉन रूट टू, और वाई की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा वाई डैश माइनस एक्स डैश अपॉन रूट टू, इसको आगे लिख दिया इसको पीछे लिख दिया, ठीक है, प्लस का थ्री टाइम्स वाई डैश माइनस एक्स डैश अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये हमारी जो है नई इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो एक्स डैश वाई डैश के टर्म्स में आपको जो नई इक्वेशन होगी वो पता चल जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, कई बार क्या होगा जैसे इसमें प्योरली मैंने रोटेशन का केस किया कि नहीं किया, इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था प्योर शिफ्टिंग वाला केस पढ़ाया था, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच है ना, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस एच के, ऐसे करके पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ाया था यार, ये रोटेशन ऑफ ओरिजिन है, रोटेशन ऑफ एक्सिस का कॉन्सेप्ट है। कई बार हो सकता है कि रोटेशन और शिफ्टिंग दोनों एक साथ लग जाए, तो आपको क्या करना, पहले या तो रोटेट करवा लेना बाद में शिफ्टिंग का लगा देना, या फिर पहले शिफ्टिंग करवा देना उसके बाद रोटेशन का लगा देना यार, कोई दुख वाली बात तो नहीं ना है, दोनों को कंबाइन तो कर ही सकते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें लेंदी होगा तो कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान रखना। इसको नोट कर लो सब लोग फटाक से।
तब ये मान लो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स का जितना भी बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग सीधे क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब अगली हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, स्ट्रेट लाइन। मैं आप क्या रुक जाए, नर्सरी वाले बच्चे जैसे होते हैं ना, सब रुक जाइए, नोट कर रहे हैं, आगे सट जाइए, वैसी आगे मत किया करो। डालो स्ट्रेट लाइन। ए बेटा, स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पूछूं स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ठीक है, तो देखो, जैसे मान लेता हूं एक पल के लिए, ये मेरा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का स्पेस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई दिक्कत वाली बात? ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब मैं टू डायमेंशन में डिस्कशन अपना करने जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होती है, एक सीधी रेखा एकदम, है ना। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये सारी की सारी हमारी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। तो अब इन सारी की सारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी डिफरेंट डिफरेंट होगी जब अलग अलग स्ट्रेट लाइन है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, या फिर अगर मुझे पार्टिकुलरली इस वाली स्ट्रेट लाइन को बताना हो, रिप्रेजेंट करना हो, उसका एड्रेस बताना हो, मैं पार्टिकुलरली इस वाली स्ट्रेट लाइन का एड्रेस कैसे लिख पाऊंगा, कैसे मैं पार्टिकुलरली कौन कौन सी चीजें मैं मेंशन कर दूं कि मैं पार्टिकुलरली L1 के पास पहुंच जाऊं, कौन कौन सी कंडीशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात? स्ट्रेट लाइन तो बहुत हो सकती है, और हर स्ट्रेट लाइन की अलग अलग इक्वेशन होगी, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की, आपको देखने को मिलेगी AX प्लस BY प्लस का C इक्वल टू जीरो, ये जनरल इक्वेशन होती है। जैसे जैसे ABC की वैल्यू चेंज होती रहती है, अलग अलग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता रहता है। लेकिन अगर मुझे कभी किसी पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए हो, तो देखो मैं क्या काम कर सकता हूं, कोई आइडिया लग रहा है किसी को? मैं कह रहा हूं, अगर आपको एक पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, किसी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, ठीक है, तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन कौन से पैरामीटर फिक्स करने पर यूनिक हो जाएगी? दो पॉइंट, और बताओ, स्लोप, इंटरसेप्ट, बता, सब लोग सही रहे हो, ठीक है, लेकिन एकदम क्या बेसिक है, क्या कोर चीज है, वो नीचे नहीं पकड़ पा रहे। देखो, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, देखो मैं तुमसे एक बात बता, जैसे मान लो कि ये स्पेस, ठीक है, ये हमारा एक्स, ये वाई, ये हमारा कार्टेशियन स्पेस है, ठीक है। अब अगर इसमें मान लो ये एक वेरिएबल नाम का बंदा घूम रहा है, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, लोकस वाला पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैंने एक बंदे को खड़ा किया स्पेस में, मैंने इससे बोल दिया कि तुम्हें जहां जहां इस दुनिया में मूव करना है, जहां जहां घूमने जाना है, वहां वहां घूम लो, तुम्हें पूरी आजादी है, बस तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना है। दो बातों में, पहली बात का क्या ध्यान रखना है कि तुम्हारा जो एक्स एक्सिस से एंगल होना चाहिए, तुम्हारा जो एक्स एक्सिस से एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात? और तुम्हें एक पार्टिकुलर पॉइंट x1, y1 से पास होना है। अगर मैंने इस h, k वाले पॉइंट से बोल दिया कि भाई तुम्हें जहां जहां इस दुनिया में जाना है वहां वहां तुम घूम लो, लेकिन दो कंडीशन तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि तुम्हारा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो फिक्स होना चाहिए, और तुम्हें x1, y1 वाले पॉइंट के साथ ऑलवेज पास होना है। तो अब बताइए कहां काम कर पाएगा, ठीक है, एक तरीके से इसकी मैंने दुनिया ही खत्म कर दी। ये कहां कहां मूव कर सकता है, सीधे सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर सकता है कि नहीं मूव कर सकता है? तो लोकस की मदद से देखो मैं क्या बता रहा हूं, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक फिक्स पॉइंट और एक डायरेक्शन। किसकी बेटा?
एक डायरेक्शन, तो किस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। ये एंगल फिक्स करने से क्या हो रहा है, उसकी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है, ठीक है। और एक्स डैश वाई डैश फिक्स करने के उसके ऊपर एक पीरियड लग गया कि भाई अब तुमको पास होना तो यहीं से पास होना है। अगर तुमने किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो कंडीशन लगा दी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक से ज्यादा को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। अरे क्लियर हुआ? Yes, sir. समझ में आया? Yes. अच्छा जी, जो एंगल फिक्स करने की हमने बात की, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने टर्म्स में, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप बोलते हैं। स्लोप बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाइट कितनी बढ़ रही है इस वाले ग्राफ की, जैसे जैसे x में चेंजेस आ रहे हैं तो कैसे बढ़ रही, कोई दिक्कत वाली बात? अरे बोल दो। तो सबसे पहले तो स्लोप को तुम सिंपली लिख सकते हो, अगर इसकी डायरेक्शन, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर इसकी मुझे डायरेक्शन फिक्स करनी तो मैं क्या कर दूंगा, y में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, कोई दिक्कत वाली बात? जैसे मान लो x1 कॉमा y1 पॉइंट ये है, मान लो एक और पॉइंट हमारा कोई है x2 कॉमा y2, तो देखो डेल्टा y को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और इसी चीज को आप जो है tan थीटा भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, डेल्टा y बाई डेल्टा x को ही तो हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको पॉज करो जरा, पॉज हो जाता है, पॉज करना। तो देखो ये स्लोप समझ में आया कि नहीं आया, स्लोप क्या काम कर रहा है भाई, डायरेक्शन को फिक्स करने का काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात? और कोई एक फिक्स पॉइंट है बेटा, कोई एक फिक्स पॉइंट क्या कर रहा है, उसमें पीरियड बनने का काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात? अरे बोल दो। अब जैसे मान लो कि तुम्हें किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो देखो क्या काम करना है, डायरेक्शन फिक्स करनी है और एक पीरियड फिक्स कर देना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे अगर देखो इक्वेशन लिखनी, तो देखो मैं क्या करता हूं, लोकस का इक्वेशन डिराइव करता हूं, लोकस का ही तो सिंपल सा डेरिवेशन होता है, तो वो लोकस की इक्वेशन में डिराइव करने जा रहा हूं, मैं इस एच कॉमा के का पाथ डिसाइड करने जा रहा हूं किसके बेसिस पे, जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइडेड है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मुझे क्या प्रोवाइडेड है, ये एंगल थीटा मुझे गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात? और दूसरी चीज मुझे क्या गिवन है, एक फिक्स पॉइंट गिवन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार? अरे बोल लो। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर देखो क्या कर दे रहा हूं, ये एक ट्रायंगल बना दे रहा हूं, ये ट्रायंगल बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बताओ ये वाला एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा बेटा? ये वाली अगर हाइट हमारी कितनी है, वाई वाई है, और ये वाली हाइट के है, तो बताओ ये वाली हाइट हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, के माइनस वाई वन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, एच माइनस एक्स वन हो जाएगी डिस्टेंस कि नहीं हो जाएगी? तो सिंपली मैं क्या कर देता हूं, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख देता हूं, k माइनस वाई अपॉन एच माइनस एक्स वन, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो देखो ये हमारी क्या सिंपल से आ जाएगा कि k माइनस वाई वन इक्वल टू टेन थीटा टाइम्स एच माइनस एक्स वन आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? अब मैंने लास्ट में क्या बोला था, h कॉमा k को किससे रिप्लेस कर दो, x कॉमा वाई से रिप्लेस कर दो। तो देखो ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन, ये आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोल दो। अच्छा इस फॉर्म स्ट्रेट लाइन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तो ये जो आपकी इक्वेशन निकल के आई, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इतना नोट करो पहले फटाक से। हाँ
क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्लोप पॉइंट फॉर्म लिख लेना, ठीक है। इधर देखो बेटा, अब देखो हमारी इक्वेशन क्या निकल करके आई, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन निकल के आई, ठीक है। यहां पर m कुछ और नहीं, tan थीटा को मैंने क्या बोल दिया, m। स्लोप का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो किससे करते हैं हम लोग, m से करते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, मैंने तुमको बताया कि m को तुम क्या लिख सकते हो, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो कि नहीं सकते हो, तो सिंपली अगर तुमने इसको ऐसे लिख दिया y माइनस वाई वन, मान लो कि तुम्हें कभी दो पॉइंट्स गिवन, तो वो क्या पॉसिबिलिटी, अगर थीटा गिवन है तो टेन थीटा के टर्म्स में स्लोप आ जाएगा, और तुम्हें अगर थीटा नहीं गिवन है, तुम्हें दो पॉइंट्स पता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला भी तो लगा सकते हो ना, कि m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। तो सिंपली यहां पर मैं m की वैल्यू अगर क्या पुट कर दूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसको क्या कर दूं x माइनस x1 कर दूं, तो इसको क्या बोलते हैं, टू पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, टू पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। अभी बस देखते जाओ, ठीक है। सबसे पहली चीज टाइप की इक्वेशन वो बताई, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म बताई, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा, टू पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टू पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। एक तीसरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को, ये बेटा इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, किस फॉर्मेट में लिख देते हैं, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो देखो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, देखो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों बोला, जैसे तुम x इक्वल टू जीरो पुट करोगे, यहां पर c क्या दे देगा, y इंटरसेप्ट दे देगा कि नहीं दे देगा, तो यहां पर इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसलिए बोला गया क्योंकि स्लोप यहां पर हमें डायरेक्टली पता चल जा रहा है, इससे ये करने से हमें क्या पता चल रहा है, डायरेक्टली स्लोप पता चल जा रहा है और इसके साथ साथ y इंटरसेप्ट पता चल जा रहा है। y इंटरसेप्ट मतलब ये वाली स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां पर कट कर रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात, जैसे हाँ ये यहां पर इसके बड़ी नहीं चल रही, क्या चीज है, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो देखो जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया x प्लस थ्री लिख दिया, इसकी इक्वेशन आपको बतानी है, तो देखो इसका स्लोप कितना है, वन है, और इंटरसेप्ट कितना बेटा, तीन है, तो देखो इसकी इक्वेशन पता कैसे, तीन इंटरसेप्ट आपको पता चल गया कि y इसको तीन पे कट कर रहा होगा, और स्लोप इसका कितना है बेटा, वन है, मतलब 45 डिग्री एंगल बना रही होगी कि नहीं बना रही होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ और सिर्फ ऐसे पास हो सकती, ये इसका ग्राफ आ गया, वन ये वाला थीटा लेते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो सेंस में जो थीटा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल, उसको जब टैन में पुट कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, स्लोप बन जाता है, ठीक है। तो टू पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये सब चीजें तो आप लोग ने जो है पहले थोड़ा बहुत कैलकुलस वगैरह में देख रखा होगा। इसके बाद चौथी फॉर्म आती है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में यार देखो क्या होता है भाई, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी जैसे हमारी इक्वेशन थी ना वाई माइनस वाई वन एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, तो हम लोग हाँ बोलो, ठीक है, तो हम लोग पूरी की पूरी इक्वेशन को कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं कि पूरी पूरी इक्वेशन हमारी इस फॉर्मेट में आ जाए, x अपॉन a प्लस y बाई बी इक्वल टू वन, इस फॉर्मेट में आ जाए। अब देखो इससे होगा क्या, अगर कभी भी आपको x इंटरसेप्ट चाहिए तो चुपचाप क्या कर दो, y को जीरो पुट कर दो, जीरो अपॉन बी जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू a डायरेक्टली x इंटरसेप्ट मिल गया कि नहीं मिल गया। अगर आपको कभी y इंटरसेप्ट चाहिए तो x इक्वल टू जीरो पुट कर दो, जीरो अपॉन ए खल्लास हो जाएगा, y इक्वल टू बी, y इंटरसेप्ट पता चल गया कि नहीं पता चल गया,
तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को इस फॉर्म में लिखने के खास बात क्या होती है कि जो x के नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ये x इंटरसेप्ट बता देता है और y के जो डिनोमिनेटर वाली चीज होती है वो क्या बता देती है हमें, y इंटरसेप्ट बता देती है। अगर इसका आपको ग्राफ बता बनाना है तो मान लो कुछ ऐसे बनेगा जिसमें ये आपका a इंटरसेप्ट हो जाएगा x इंटरसेप्ट और ये आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, चार फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगली हेडिंग डालो नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, अच्छा नॉर्मल फॉर्म में पता है क्या गिवन होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, हमेशा याद रखो नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या गिवन होगा आपको, किसी स्ट्रेट लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन होगी, कोई दिक्कत वाली बात, और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये एंगल गिवन होगा। तो अब हमें क्या करना है, ये परपेंडिकुलर का एंगल है और ये पी क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इस फॉर्मेट में हमें क्या करना है, इस वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी, कोई दिक्कत वाली बात? अरे बोल दो कैसे लिखेंगे बताओ। इंटरसेप्ट फॉर्म को मॉडिफाई कर लेंगे, कैसे? सही सोच रहे हो बताओ। हाँ वेरी गुड, ठीक है, देखो कैसे ले लेंगे। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में आते बताओ, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये पूरा का पूरा बेस का काम करेगा। अब मुझे क्या चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा बेस का काम कर रहा है इस वक्त, ये पी है, ये पीस की लेंथ है और ये यहां पर हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं क्या लगाने जा रहा हूं, सेक थीटा लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं बेटा, तो सेक थीटा इक्वल्स देखो क्या हो जाएगा, मैं एच अपॉन पी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे बोल दो। तो यहां से h की वैल्यू सीधे सीधे क्या हो जाएगी, p sec थीटा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो मतलब ये मुझे x इंटरसेप्ट पता चल गया, p sec थीटा पता चल गया कि नहीं पता चल गया? सिमिलरली इस वाले एंगल में आएंगे, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अरे बोल दो। अरे यार, तो ये हमें क्या पता चल जाएगा, cos sec थीटा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो ये वाली जो लेंथ आएगी हमें कितनी मिल जाएगी, cos sec थीटा। ठीक है, अब मुझे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट तो पता ही है, मैं इंटरसेप्ट फॉर्म का सीधे सीधे यूज कर लूंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, x अपॉन p, हाँ sec थीटा प्लस y अपॉन p cosec थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको थोड़ा सा चेंज कर ले तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। अब इसमें दो चीजें आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो थीटा है वो परपेंडिकुलर का एंगल है और पी क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है उस लाइन की फ्रॉम द ओरिजिन। इसके बाद एंगल डालो, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस।
ठीक है। ये सब तो इतना डिफिकल्ट लगा नहीं होगा ना, इंटरसेट फॉर्म वगैरह इन सारी की सारी फॉर्म्स को बस रिमेम्बर रखना है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काम आ जाएंगे। ठीक है, हाँ यार देखो हमारी एक्स एक्सिस हमारी वाई एक्सिस, मान लेता हूं कि मेरी कोई एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी और दूसरी स्ट्रेट लाइन ऐसी, कोई दिक्कत वाली बात? मान लेता हूं कि पहली वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसका इंक्लिनेशन एंगल कितना है, थीटा वन है, और दूसरी वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप कितना बेटा, थीटा टू, कोई दिक्कत वाली बात? मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला एंगल हमारा थीटा वन है, ये वाला एंगल हमारा कितना बेटा, थीटा टू। अगर मैं पूछूं कि ये वाला एंगल कितना होगा तो कैसे बताओगे? थीटा टू माइनस थीटा वन, ठीक है। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो देखो ये थीटा टू, ये 180 माइनस थीटा टू, ऐसे सीधे सीधे थीटा टू इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो इस एंगल क्या आ जाएगा, थीटा टू माइनस थीटा वन आ जाएगा। तो इसको मैं थीटा बोल दे रहा हूं, तुमको पता है थीटा किसके बराबर होगा हमारा, थीटा टू माइनस थीटा वन के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब मुझे दोनों लाइन के बीच का एंगल ही तो चाहिए कि नहीं चाहिए, टेकिंग टैन बोथ साइड, यहां पर क्या कर लो, टेकिंग टैन बोथ साइड, तो टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका, टैन थीटा टू माइनस थीटा वन हो जाएगा। यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, टैन थीटा टू माइनस टैन थीटा वन अपॉन वन प्लस टैन थीटा वन इंटू टैन थीटा टू, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटो? अरे बोल दो। तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, तुमको पता है टैन थीटा टू क्या हो जाएगा, इस वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप, और टैन थीटा वन इस वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हमारा हो गया एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? Yes, अरे बोल दो। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें दो प्रॉब्लम आएंगे, पता है मैंने क्या बोला कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल बताओ, तो एंगल देखो दो बन रहे, एक एंगल ये थीटा बन रहा है, एक 180 माइनस थीटा भी तो बन रहा है यार, दो एंगल्स बन रहे कि नहीं बन रहे? तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर दो आंसर्स आएंगे। तो देखो इसको करेंगे कैसे, हमेशा अगर आपको कभी भी एक्यूट एंगल पता करना है, एक एंगल 180 छोटा आएगा, एक एंगल क्या आएगा 180 से बड़ा, सॉरी 90 से छोटा आएगा एक एंगल, एक एंगल 90 से बड़ा आएगा। अगर आपको एक्यूट एंगल चाहिए होगा तो आप लोग इस पूरी की पूरी चीज को मॉडुलस लगा करके सॉल्व कर लेना, पहले इसको कैलकुलेशन कर लेना, नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव बना लेना, पॉजिटिव क्यों बनाएंगे, क्योंकि तुमको पता है कि जब टैन थीटा हमारा जीरो से पॉजिटिव वैल्यू कब देता है, जब जीरो से 90 के बीच में होता है, 90 से 180 के बीच में वो नेगेटिव हो जाता है। तो जो भी आपका आंसर है उसमें क्या लगा देना बेटा, बॉन्ड लगा देना, ठीक है, उसको टैन थीटा से कंपेयर कर देना तो आपका एंगल आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको दूसरा एंगल चाहिए होगा तो चुपचाप क्या कर देना, ये जो भी एंगल निकल के आएगा इसको 180 से माइनस कर देना, तो दूसरा एंगल निकल के आ जाएगा। अरे नहीं समझ में आया पक्का? ये किसके लिए है, एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला है। दोनों एंगल्स में से जो छोटा एंगल अगर आपको चाहिए होगा तो मॉड लगा करके क्या कर देंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। इतना आजम हुआ? ठीक है, हाँ अभी देखो बेटा इसके कुछ दो स्पेशल केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर लाइन पैरेलल हुई तब, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हुई तब क्या होगा, थीटा वन और थीटा टू बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अरे थीटा वन थीटा टू बराबर होंगे। अगर दोनों लाइंस का स्लोप मतलब भाई बराबर होगा तो एंगल्स कितना होगा, जीरो होगा, दोनों का पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। और ये टैन जीरो क्या हो, कब हो सकता है, जब न्यूमरेटर जीरो, मतलब एम वन इक्वल्स टू एम टू हो गया, तो दोनों लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हुई तब, तो यहां पर टेन 90 पुट करोगे, टेन 90 पुट करने का मतलब आंसर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, मतलब डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसका डिनोमिनेटर कब जीरो हो जाएगा, जब आप क्या करोगे बेटा, 1 प्लस एम वन एम टू को क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। तो यहां से आपका क्या आ गया कि एम वन एम टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
माइनस वन। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? yes, इसको नोट करो कॉपी पे फटाक से। हाँ चलो क्वेश्चन लिखो। एक देखो, एक एक इफ ए माइनस टू कॉमा वन कोऑर्डिनेट लिखो कॉमा बी टू कॉमा थ्री एंड सी माइनस टू कॉमा माइनस फोर आर थ्री पॉइंट्स कॉमा देन फाइंड द एंगल बिटवीन then find the angle between BA and BC then find the angle between BA and BC एक मिनट रुक जाओ। हाँ सही, टेन इनवर्स टू बाई थ्री है ना। अरे बहुत आसान है, तीनों पॉइंट्स लिख दिए होंगे, दोनों के स्लोप लिखने बस, फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन एक्स टू माइनस सिक्स वन, फिर चुपचाप फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, ये अभी वार्म अप चल रहा है भाई कोऑर्डिनेट का। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, वार्म अप। द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3.4 एंड द सम ऑफ its intercepts on the axis is 14 on the axis is 14 find the equation of lines find the equation of lines
एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी जो कि 3.4 से पास हो रही है और उसके इंटरसेप्ट का सम किसके बराबर है, 14 के बराबर है। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन आपको लिख के दिखानी। अबे नहीं हुआ, रुकना ही तो नहीं है, स्पीड में होना चाहिए भाई। कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू, दो इक्वेशन आएंगे, आपने एक ही बताई है। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है जो कि 3.4 से पास हो रही है और उसके इंटरसेप्ट का सम कितना है, 14। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया, इसमें अननोन क्या है, ए और बी की वैल्यू ही तो अननोन है, ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। ए और बी के टर्म्स में एक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी, दूसरी इक्वेशन आपको बनानी है, बनानी कि नहीं बनानी है। 3.4 स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा शिवांश भाई? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं चुपचाप, 3 upon A + 4 upon B = 1 लिख सकता हूं कि नहीं सकता हूं? एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इनको सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहां से मैं A की वैल्यू पुट करता हूं, B इक्वल टू, मैं देखो क्या लिख सकता हूं, 14 माइनस A लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 3 upon A + 4 upon 14 - A = 1। इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो A की वैल्यू कितनी आएगी, जरा क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करो और स्पीड में करना है। A की वैल्यूज बताओ पहले तुम मुझे। क्वाड्रेटिक गलत हुई, सोच लेना, अगली बार का पेपर इतना टफ बना दूंगा रो दोगे। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो फटाक से। अरे भगवान, एक युग बीत चुका है, दूसरा युग शुरू हो चुका है। हाँ, तो एक A की वैल्यू 7.6 आ गई, B की वैल्यू 2 आ जाएंगी। 7 को करस्पॉन्डिंग B की वैल्यू पता कर लो, 6 के करस्पॉन्डिंग B की वैल्यू पता कर लो, यहां पर पुट कर दो, दो इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर 7 पुट करोगे तो B की वैल्यू भी 7 हो जाएगी, तो x upon 7 + y upon 7 = 1। और अगर 6 पुट करोगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, तो x upon 6 + y upon 8 = 1 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। 2 points A and B move on the positive direction of x axis and y axis respectively such that OA plus OB equals to K. Two points A and B two points A and B
move on the positive direction of x axis and y axis respectively, comma, such that OA plus OB equals to K. Such that OA plus OB equals to K. Full stop. So that SHOW, so that the locus of the foot of perpendicular, locus of the foot of perpendicular from the origin O on the line AB is x square plus y square is equal to k times xy. दो मिनट का टाइम है, कृपया आप लोग ट्राई कर लें. भाई किसी का लगा? नहीं बन पा रहा. देखो क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूं. वो क्या कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बेटा, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर मूव कर रहे हैं. तो मैं मान लेता हूं कि इस वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कितनी है एक पल के लिए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन है. कोई दिक्कत वाली बात? तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा हमारा, ए कॉमा जीरो हो जाएगा. ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा हमारा, जीरो कॉमा बी हो जाएगा. अरे हो जाएगा. वो क्या कह रहा है कि ये पॉइंट ओ ए बी, ओ ए प्लस ओ बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किसी कैपिटल के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ओ ए प्लस ओ बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कैपिटल के बराबर होनी चाहिए. इसके साथ साथ कह रहा है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका लोकस बताना है कि नहीं बताना. किसका लोकस बताना बेटा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस बताना है कि नहीं बताना. कहां से? ओरिजिन से, इस लाइन के ऊपर. तो ओरिजिन से एबी लाइन के ऊपर मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिया और ये मेरा लोकस वाला पॉइंट है. तो इसको मैंने क्या मान लिया? एच कॉमा के मान लिया. देखते हैं अभी ये आएगी इक्वेशन में, प्रूव करना है. देखो तो सबसे पहले तो देखो तुमको चीज पता चल रही होगी, ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू के है कि नहीं है. तो सिंपली मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी इक्वल टू के लिख सकता हूं यार. अरे बोलो. ठीक है, दूसरी चीज क्या आपको पता चल रही है कि ये वाली लाइन ए बी वाली लाइन और ये ओ, और इसको क्या बोलते हो, कोई भी एक रैंडम पॉइंट पी मान लेता हूं. ए बी और ओपी लाइन आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, माइनस वन होगा कि नहीं होगा? तो इस वाली लाइन का स्लोप देखो कितना हो जाएगा बेटा, ए माइनस जीरो करेंगे अपॉन जीरो माइनस बी करूंगा. कोई दिक्कत वाली बात? ये ए बी वाली लाइन का स्लोप आ गया कि नहीं आ गया?
और इस वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, k बाई एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, k बाई एच इक्वल टू माइनस वन के बराबर होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो यहां से क्या मिला, ए के इक्वल टू बी एच, ये k हमारा स्मॉल k है याद रखना, और ये वाला k दूसरा k, ये कैपिटल k, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज पता चली कि नहीं पता चली, एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये, अब दो इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर देते हैं अपनी चीजों को पता कर लेते हैं ना, तो देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, ए की वैल्यू में पता कर लेता हूं, ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं यार, ये दोनों इक्वेशन है तो देखो ए की वैल्यू देखो मैं क्या पुट कर सकता हूं, ए की वैल्यू में बी एच अपॉन स्मॉल के पुट कर सकता हूं कि नहीं पुट कर सकता हूं, और उसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा, तो देखो क्या हो जाएगा, ए की जगह देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, बी एच अपॉन स्मॉल के, ठीक है, बी एच अपॉन स्मॉल के प्लस बी इक्वल टू के लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये हमारा क्या है बेटा कैपिटल के है, ये याद रखना, ये मेरा क्या है बेटा कैपिटल के, कोई दिक्कत वाली बात, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, बी एच प्लस बी स्मॉल के इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू कैपिटल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसको डायरेक्टली मैंने उधर भेज दिया, देखो बी की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, स्मॉल के कैपिटल के अपॉन एच प्लस के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बोलो, ये बी की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, सिमिलरली अगर मैं बी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो यहां पर हमें क्या पता चल जाएगी, ए की वैल्यू पता चल जाएगी, नहीं पता चल जाएगी, या हमें बी की वैल्यू पता चली, सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू इसी के रिस्पेक्ट में मैं लिख दे रहा हूं, तो ए की वैल्यू आप लिखोगे तो क्या आएगा, एच स्मॉल एच कैपिटल के अपॉन एच प्लस के, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ए और बी की वैल्यू को उठा करके हम लोग क्या कहां पुट कर देते हैं, कौन सा, हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी ना, ये वाली इक्वेशन लिखी थी कि नहीं लिखी थी बेटा, ए और बी की वैल्यू क्या कर देता हूं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, एच और के टर्म्स में हमें इक्वेशन ही तो चाहिए, लोकस के लिए क्या चाहिए होता है, तो ए और बी की वैल्यू देखो मैं यहां पर पुट करने जा रहा हूं, देखो ये पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रोटेट करके दिखा दो उसको, दिख गया, ठीक है कोई बात नहीं, बस दो मिनट का लेक्चर बचा है, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो देखो मैं यहां पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखा रहा हूं, ठीक है, देखो व्हाट हैपेंड, ठीक है, तो देखो x अपॉन a प्लस y बाई बी इक्वल टू वन था, तो देखो x a की वैल्यू हमने क्या निकाली बेटा, स्मॉल k कैपिटल k अपॉन h प्लस k प्लस y अपॉन h कैपिटल k अपॉन h प्लस स्मॉल k, ये इक्वल टू वन, ये देखो h प्लस k क्या हो जाएगा, हमारा न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, और एक चीज और कह सकते हो, देखो ये x कॉमा वाई वाली हमारी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ए बेटा ये x वाली x कॉमा के वाली ये वाली स्ट्रेट लाइन है, अरे यार ये वाली स्ट्रेट लाइन थी कि नहीं थी बोलो, इस वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही तो हमारा h कॉमा के पॉइंट लाई कर रहा था कि नहीं लाई कर रहा था, तो h कॉमा के इस वाली लाइन को भी तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह मैं h पुट कर सकता हूं कि नहीं पुट कर सकता हूं, h अपॉन a प्लस y की जगह स्मॉल k अपॉन b इक्वल टू 1 भी तो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं यार बोलो, h कॉमा के इस वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी तो लाई कर सकता था, तो यहां पर पुट कर देता हूं, तो यहां पर मुझे x ना लिख करके मैं सिंपली लिख पाऊंगा h, और y ना लिख करके मैं क्या लिख पाऊंगा स्मॉल k लिख पाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात यार, नहीं आ जाऊंगा ये, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखो तो ये हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा, तो h अपॉन एच प्लस के अपॉन स्मॉल के इंटू कैपिटल के प्लस स्मॉल के टाइम्स एच प्लस के अपॉन एच कैपिटल के इक्वल्स टू
वन, ठीक है। यहां से हम लोग क्या काम कर लेते हैं यार, हमें क्या प्रूव करके दिखाना था बेटा, जरा बोलो। हाँ, x प्लस वाई, हाँ कैपिटल के एक्स वाई, ये प्रूव करना था। देखो आ गया आंसर यार, कैसे आ गया आंसर हमारा, तो क्या बेटा, नहीं यहां पर एच स्क्वायर हमारा आना चाहिए, रुक जाओ कुछ पंगा हो रहा है क्या, देखो हाँ हमें इक्वेशन क्या मिली, ये मिली, चलो एलसीएम ले लेते हैं ना यार, देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये उधर चला जाएगा, है ना, एलसीएम डायरेक्टली लेकर के मैं इसको उधर भेज दे रहा हूं, तो इधर तो मुझे क्या मिल जाएगा, के टाइम्स एच स्मॉल के मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा यार, यहां पर क्या मिल जाएगा, देखो के तो कॉमन ही है ना भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आ गया देखो आंसर, ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर टाइम्स एच प्लस के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये स्मॉल के स्क्वायर टाइम्स एच प्लस के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे बोल दो, हाँ, और ये एच को एक्स से रिप्लेस कर दो, हाँ वही चीज मैं कह रहा हूं, अब तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा, एच प्लस के टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू के एच, के आ गया कि नहीं आ गया, स्मॉल एच को एक्स से और स्मॉल को के को वाई से रिप्लेस कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स वाई, नहीं समझ में आया, तो कोई थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी तो प्रॉब्लम सिंपल थी ना यार, ओ ए प्लस ओ बी को मैंने पहले क्या कर दिया, के इक्वल पुट कर दिया, एच कॉमा के को इसमें सेटिस्फाई करवा दिया, और स्लोप को क्या कर दिया, दोनों स्लोप के प्रोडक्ट को माइनस वन के बराबर रख दिया, फिर वहां से हमने क्या किया, एलिमिनेशन ऐसा किया कि कुछ हमारी इक्वेशन जो आए वो आरोप एच और के टर्म्स में आ जाए, बस आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, बाकी कल मिलते हैं।